आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। उन्होंने लखनऊ के डिफेंस एक्सपो में कहा कि आज यहां पर आना मेरे लिए दोहरी खुशी है, क्योंकि मैं बतौर प्रधानमंत्री और बतौर सांसद आपका यहां पर स्वागत करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर के सबसे बड़े हब के रूप में विकसित होने वाला है। उन्होंने बोला कि इस बार का एक्सपो भारत का सबसे बड़ा एक्सपो है। इस बार 1000 से ज्यादा डिफेंस मैन्युफैक्चर इसका हिस्सा बनी है। अनेक देशों के मंत्री और व्यापारी हमारे बीच हैं। इसके जरिए भारत के युवाओं को मेक इन इंडिया में योगदान करने का अवसर मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इस बार का ये एक्सपो भारत का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो होने के साथ साथ अब दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपो में से एक बन गया है। इस बार 1000 से ज्यादा डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और दुनिया भर से 150 कंपनीज इस एक्सपो का हिस्सा है। इसके अलावा अनेक देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स और बिजनेस लीडर भी आज हमारे बीच मौजूद हैं। साल 2014 तक यहां सिर्फ 217 डिफेंस लाइसेंस इश्यू किए गए थे, वहीं बीते 5 वर्षों में ये संख्या 460 हो गई है, यानी 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। आर्टिलरी गन्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, फ्रिगेट हो, सबमरीन हो, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हो, ऐसे अनेक साजो सामान आज भारत में ही बन रहे हैं। साथियों, आज भारत अपनी आवश्यकताओं के लिए आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण तो कर ही रहा है, ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट में भी अपना शेयर बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 2000 करोड़ रुपए का था, वहीं बीते 2 साल में भारत करीब 17000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुका है। अब हमारा लक्ष्य ये है कि आने वाले 5 वर्ष में डिफेंस एक्सपोर्ट उसको हम $5 बिलियन यानी करीब करीब 35000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाए। राम मंदिर ट्रस्ट का पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है। संसद में पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि 67.3 एकड़ जमीन ट्रस्ट को दी जाएगी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा भगवान श्री राम की स्थली पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट पूर्ण रूप से ऑथराइज्ड होगा। साथ ही उन्होंने कहा सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने के लिए यूपी सरकार से अनुरोध किया है, उन्होंने इस पर कार्य तेज कर दिया है। वहीं लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा सभी धर्म के लोग एक हैं, परिवार के सदस्य सुखी समृद्ध हों और देश का विकास हो, इसलिए सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा अयोध्या में राम धाम के निर्माण के लिए सभी लोग एक स्वर में अपना मत दें। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन आवंटित करें। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आज इस सदन को पूरे देश को ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कुछ कहा, साथ ही किस तरह से ट्रस्ट काम करेगा वो भी आपको सुनाते हैं। सर्वोच्च अदालत के आदेश अनुसार गहन विचार विमर्श और संवाद के बाद अयोध्या में 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित करने का अनुरोध उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया। इस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। भारत की प्राणवायु में, भारत के आदर्शों में, भारत की मर्यादाओं में भगवान श्री राम की महत्ता और अयोध्या की ऐतिहासिकता से, अयोध्या धाम की पवित्रता से हम सभी भली भांति परिचित हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण, वर्तमान और भविष्य में रामलला के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मेरी सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहित संपूर्ण भूमि जो लगभग 67.703 एकड़ है और जिसमें भीतरी और बाहरी आंगन भी सम्मिलित है, उसे नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया है, जिसके बाद भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती ने कहा कि ये बेहद गर्व और खुशी का दिन है। मैंने तो पहले ही कहा था कि हम इसके लिए फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार हैं। भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा कि इससे अच्छा दिन और कुछ नहीं हो सकता, ये बेहद गर्व और खुशी का दिन है। उन्होंने कहा कि अब हम इस केस से जुड़े दूसरे ट्रायल के लिए तैयार हैं। मैंने तो शुरू से यही कहा है कि हम इसके लिए फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार हैं। राम मंदिर के निर्माण का एक अध्याय पूरा हुआ। आज भारत सांस्कृतिक अधिष्ठान की दृष्टि से एक बहुत बड़ी छलांग मार गया है, क्योंकि राम भारत की संस्कृति के पहचान है। राम का जो चरित्र है वो भारतीय संस्कृति की पहचान है। अब अगली लड़ाई आर्थिक अधिष्ठान की है, राम राज्य की, यानी राम मंदिर से राम राज्य की। वही राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा होने के बाद से ही इस पर राजनीति शुरू हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी नेता इसे लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कई नेताओं ने इस ट्रस्ट की घोषणा के समय को लेकर भी सवाल उठाए हैं। AIIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने की घटना ना तो हम भूले हैं
और ना ही हमारी पीढ़ियों को भूलने देंगे। उन्होंने कहा कि जब संसद का सत्र 11 फरवरी को समाप्त होना है तो यह घोषणा 8 फरवरी के बाद भी की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी की सोच से चिंतित हैं। दिल्ली में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार ने श्री राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान कर दिया। इस ऐलान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। इसे कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव से जोड़ा है। कांग्रेस ने सवाल करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने चुनाव से ठीक पहले ही राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान क्यों किया। कांग्रेस के बाद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्रस्ट की घोषणा पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, इस घोषणा से बीजेपी की कमजोरी उजागर हुई है। मुझे यकीन है कि इस घोषणा ने यह सुनिश्चित किया है कि दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही मतदाताओं को प्रभावित करे। अर्थव्यवस्था के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हमला लगातार जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आम बजट को बेकार बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा है। ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, प्रिय प्रधानमंत्री, अर्थव्यवस्था बुरी तरह से फंस चुकी है और आपको अपना दिमाग इस विषय में दौड़ाना चाहिए कि किस तरह अपने ऊपर से दोष हटाएं। ऐसे में निर्मला जी द्वारा पेश किए गए बजट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें पद से हटाएं और सारा दोष उन पर ही मढ़ देना चाहिए, समस्या हल हो जाएगी। इससे पहले राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री के बजट भाषण को खोखला बताया था। कुछ ही दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर कहती है, इंटरव्यू में उनसे पूछा आप बताइए कितने रोजगार पैदा किए। वो कहती है, मैं नहीं बताऊंगी कितने पैदा किए। इंटरव्यूअर ने पूछा, क्यों नहीं बताओगी? कहते हैं, अगर मैंने कह दिया तो फिर राहुल गांधी सवाल उठाएगा, मेरे पीछे पड़ जाएगा। राहुल गांधी कहेगा कि झूठ बोल रहे हो। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कि मैं कहने को तैयार नहीं हूं मैंने कितने युवाओं को रोजगार दिलवाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने गृहमंत्री अमित शाह को बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली वासी जानना चाहते हैं कि वे बीजेपी को वोट क्यों दें। दिल्ली वाले पूछ रहे हैं कि अमित शाह शाहीन बाग की सड़क क्यों नहीं खुलवा रहे हैं। केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने सिर्फ दिल्ली की सत्ता पाने के लिए दिल्ली की जनता का इस्तेमाल किया है। कहा था कि दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो आ चुके हैं और दिल्ली की जनता अब बातचीत करना चाहती है, दिल्ली की जनता प्रश्न पूछना चाहती है दोनों पार्टियों के सीएम कैंडिडेट से। तो भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करे ताकि दोनों पार्टी के नेताओं के बीच में बहस हो सके। मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ, हर मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। इससे साफ जाहिर है कि वो जनता के सामने अपना चेहरा नहीं लाना चाहते या उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है दिल्ली के सीएम के लिए। अमित शाह जी का ये कहना है कि वोट मेरे को दो और मैं सीएम बनाऊंगा, मैं डिसाइड करूंगा कौन सीएम बनेगा। तो आपने अगर किसी ऐरे गहरे नथु गहरे को बना दिया सीएम, जिसको कोई पता नहीं हो, किसी अनपढ़ आदमी को सीएम बना दिया, तो दिल्ली की जनता के साथ तो धोखा हो जाएगा। ऐसे कैसे आपको ब्लैंक चेक लिख के दे दे दिल्ली की जनता? दिल्ली की जनता कोई बेवकूफ थोड़ी है। पर फिर भी क्योंकि अमित शाह जी कह रहे हैं कि मैं सीएम बनाऊंगा, मेरे को वोट दो, मैं अमित शाह जी को आमंत्रित करता हूं डिबेट करने के लिए। अमित शाह जी आए, डिबेट करें, जहां कहेंगे जब कहेंगे, मैं उनके साथ हर मुद्दे के ऊपर डिबेट करने को तैयार हूं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में फिर से एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने बीजेपी के एक सदस्य द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना स्वामी विवेकानंद से किए जाने पर आपत्ति जताते हुए पीएम के लिए एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जिससे सदन की कार्यवाही से हटाना पड़ा। आपको बता दें, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन ने कहा कि स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक युग में रहते थे जबकि हम भौतिक युग में हैं। उसके बाद एक शब्द ने सदन में बवाल खड़ा कर दिया।
बता दें इस दौरान उनकी बीजेपी के कुछ सदस्यों से नोकझोंक भी हुई। देश के लगभग 5 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 2,000 रुपए की तीसरी किश्त नहीं मिली है। इस बात की जानकारी कृषि मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में दी है। बता दें इस योजना के तहत किसानों को सरकार हर साल 4 महीने में 2,000 रुपए की किश्त देने का ऐलान किया गया था, जिसमें केवल 2 किसान शामिल हैं जिसके पास जमीन काफी कम है। सरकार की तरफ से सरकारी डेटा के अनुसार 2.51 करोड़ किसानों को दूसरी किश्त नहीं मिली है। वहीं तीसरी किश्त ना मिलने वाले किसानों की संख्या 5.16 करोड़ है। आपको बता दें कि दिसंबर 2018 से लेकर नवंबर 2019 के बीच करीब 9 करोड़ किसानों ने इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन किया था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 6 महीने बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन और पीडीपी नेता वाहिद पारा को हिरासत से रिहा कर दिया गया है। बता दें दोनों नेताओं को हिरासत से बुधवार को रिहा कर हाउस अरेस्ट में रखा जाएगा। अभी तक दोनों ही नेता एमएलए हॉस्टल में कैद में थे। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को पीडीपी के एक पूर्व विधायक और एक व्यापारी नेता को हिरासत से रिहा किया था। हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है, पर विश्वास ना बनाए हुए रिश्ते ही अपनी ही जान के दुश्मन बन जाएं तो किसी भी रिश्ते पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ रायबरेली की वंशिका गुप्ता हत्याकांड मामले में, जिसे सुनकर शायद ही कोई फिर किसी रिश्ते पर विश्वास कर सकेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। इस परिवार को न्याय मिले, हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर फांसी की सजा चाहिए। हमारी बच्चियों के साथ हमारे ना बच्चे सुरक्षित है ना बच्चियां सुरक्षित है। दोषी है उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दुनिया में दोस्ती और प्यार ये दोनों ही ऐसे रिश्ते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्यार और विश्वास पर बनते हैं। कभी कभी इंसान खुद से भी ज्यादा अपने दोस्तों पर भरोसा करता है, अपने से ज्यादा उस इंसान की फिक्र करता है जिससे वो प्यार करता है। लेकिन सोचिए अगर वही दोस्त जिस पर आप खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं आपके पीठ में खंजर भोंक दे तो क्या होगा। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं वही आपकी जान का दुश्मन बन जाए तो हैवानियत की सारी सीमाएं और रिश्तों की सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं। रिश्तों की आड़ में छिपे हैवान बाहर निकलकर जिंदगी को मौत के कुएं में ढकेल देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ रायबरेली की वंशिका गुप्ता के साथ, जिसकी अपनी ही दोस्त ने उसके प्यार के साथ मिलकर वंशिका के विश्वास के साथ उसे भी आग के हवाले कर दिया। हमने उनके तहरीर के आधार पे मुकदमा कायम किया और उसमें उन्होंने एक व्यक्ति पे शक किया, मतलब गुप्ता नाम का एक व्यक्ति है, उस पे शक किया गया पूर्व के इनके आपस परिचय के आधार पे और उसके द्वारा समय समय पर धमकी देने के आधार पे हमने ये जो मुकदमा कायम किया उसमें इसको शक के आधार पर नामित किया था। उसी के तहत हमने तत्काल प्रभाव से दबिशें डाल के उठाना शुरू किया और कई चरणों में जब पूछताछ शुरू की तो जो शंका आबादी की थी वो सही साबित हुई और मुख्य आरोपी के तौर पर अतुल गुप्ता ही इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड निकला। प्यार और दोस्ती पर भरोसा करना मासूम वंशिका की हस्ती खेलती जिंदगी पर भारी पड़ गया। हमेशा के लिए वंशिका के परिवार से उसकी हस्ती खेलती बेटी की जिंदगी छीन ले गया। वंशिका को कहां पता था कि जिस दोस्त पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर रही है वही उसके मौत का कारण बन जाएगी। बता दें 1 फरवरी को रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी निवासी दिलीप गुप्ता की बेटी वंशिका गुप्ता का अधजला शव हरचंदपुर थाना क्षेत्र के सोरा गांव के पास जंगल में मिला। परिजनों के शक के आधार पर जब पुलिस ने वंशिका की सहेली को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो सारी सच्चाई बाहर आ गई। वंशिका की सहेली अंजलि श्रीवास्तव ने बताया कि किस तरह से उसने वंशिका के प्रेमी से मिलकर उसकी हत्या की प्लानिंग की और मासूम वंशिका को मौत की नींद सुला दिया।
फिर उसके बाद वंशिका के परिवार वालों को फोन कर वंशिका के किडनैप होने की खबर भी दे दी। पर कहते हैं, अपराधी कितना भी चालाक हो, कोई न कोई गलती कर ही देता है। वंशिका के परिजनों को वंशिका के किडनैपिंग की खबर देना ही अंजलि की गलती बन गई और अंजलि पर शक की सुई खुद ब खुद घूम गई। अंजलि श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि अमेठी जिले के निवासी अतुल गुप्ता पर मृतका द्वारा लगातार शादी का दबाव बनाया जा रहा था, जबकि आरोपी अतुल गुप्ता की शादी दूसरी जगह फिक्स हो चुकी थी। मृतका आरोपी अतुल गुप्ता की होने वाली शादी में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न उत्पन्न करे, जिसके डर से अतुल गुप्ता ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवती की हत्या की साजिश रच डाली, जिसमें उसने मृतका की सहेली को भी शामिल कर दिया। योजना बनाकर वंशिका की सहेली अंजलि से उसकी लोकेशन ली और अपने साथियों ललित और धीरू के साथ मिलकर वंशिका को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गए। रास्ते में क्लोरोफॉर्म सुंघाकर युवती को बेहोश कर दिया और एक बाग में हाथ पैर बांधकर जिंदा जला दिया। हत्या का खुलासा करने पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुख्य आरोपी सहित हत्या में सहयोग करने वाली युवती और उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अभी भी एक अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हम सरकार से बस इंसाफ चाहते हैं कि हमारी जैसा हैवानियत उन्होंने हमारी बिटिया के साथ किया है, उन हैवानियत को सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी पे लटकाया जाए, एक दो दिन के अंदर उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर ये सजा लेट हो गई तब क्या सजा हुई, सजा समय पर मिल जाए उन लोगों को। सरकार से ये चाहते हैं जो मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और हमें 2-3 दिन में न्याय अगर नहीं मिलता है तो मैं परिवार के साथ में धरना प्रदर्शन रोड जाम करके आत्मदाह के लिए बैठ जाऊंगा। अपने बेटी को खो चुके वंशिका के परिवार और वंशिका की मां बस यही चाहती हैं कि उनकी बेटी के हत्यारों को सजा मिले। वहीं वंशिका के स्कूल के बच्चों ने रैली निकालकर अपराधियों को सजाए मौत देने की मांग की है। वंशिका के परिवार को उसकी बेटी तो वापस नहीं की जा सकती, पर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर वंशिका और उसके परिवार को न्याय जरूर मिलना चाहिए, ताकि फिर किसी की हिम्मत ना हो ऐसी घटना को अंजाम देने की। पिछले साल 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद जवानों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। वहीं DRDO ने अब पुलवामा जैसे हमले या किसी भी तरह के नक्सली हमले से बचने के लिए एक खास वाहन बनाया है। DRDO के व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने पुलवामा जैसे खतरनाक हमले को रोकने के लिए एक ऐसे मानव रहित वाहन को लॉन्च किया है जो न सिर्फ खुद रेकी कर सकता है बल्कि राह पर आने वाली किसी भी तरह की चुनौती का सामना कर सकता है। ये वाहन कई तरह की खुफिया सुविधाओं से लैस है। यह क्रूज नियंत्रण हर प्रकार की बाधा से बचाने में सहायक होगा, साथ ही चुनौती भरी राह पर योजना बनाना और खुद ही नेविगेट करना इसकी खूबी है। इतना ही नहीं, वाहन पर एक ऐसा विशेष सेंसर भी लगा है जो कि राह पर आने वाली बाधा को भांप कर उससे बच निकलने में सक्षम है। यह वाहन करीब 1600 किलो वजनी है, जिसे 3 तरीके से चलाया जा सकता है। पहला खुद चलाकर, दूसरा टेली ऑपरेशन, तीसरा ऑटोनोमस। यह वाहन समतल रास्ते पर करीब 25 किलोमीटर की रफ्तार पर चल सकता है, वहीं ऑटोनोमस पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चल सकता है। जिला मुख्यालय में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी को 21 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें जूनियर इंजीनियर्स का प्रारंभिक वेतन बढ़ाने की मांग की, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, वाहन के लिए 30 लीटर पेट्रोल के मूल्य की धनराशि दी जाए, गैर विभागीय कार्यों से मुक्त किया जाए, 7 वर्ष से 14 वर्ष व 20 वर्ष की सेवा पर पदोन्नतियां प्रदान की जाए, जैसी अन्य मांगे की गई हैं। ये धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में है जूनियर इंजीनियर की समस्याओं को लेकर। हम लोगों की कई समस्याएं हैं जिनकी तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो इसलिए हमने ये एक दिन का सांकेतिक धरना रखा है। अगर सरकार अब भी ध्यान नहीं देती तो भविष्य में हम लोगों का प्रदेशव्यापी हड़ताल का कार्यक्रम है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दिया गया इस ज्ञापन के द्वारा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।